पब्लिक एंड कमेटी के तहत अवामी मसाइल बैठक से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि सानिहा बल्दिया फैक्ट्री के मुतासरीन को ताहाल इंसाफ नहीं मिला है। जर्मनी कंपनी से जो रकम मिली थी वो भी अदा नहीं की गई। हमारे जो है वो दिल खून के आंसू होते हैं कि जब हम इन बहनों को, इन माओ को, इन बूढ़े वालदेन को देखते हैं कि जिनके जिनके प्यारे जो है वो इंसान जला दिए गए एक फैक्ट्री के अंदर। सोचे तो सही, किस लिए कि आपको भत्ता नहीं मिला और अब वो लोग जो है वो सारे के सारे नाम बदल के, चेहरे बदल कर किसी वॉशिंग मशीन वाली पार्टी से धुलकर सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ और उनका कोई कसूर नहीं। जिन्होंने ये काम किए, जिन्होंने इंसानों को जला दिया, उनको कोई कसूर नहीं, उनको डिफेंड करते हैं लोग। शर्म की बात है कि इंसाफ यहाँ पर लोगों को फराहम नहीं किया जा रहा। हम सवाल करना चाहते हैं अदालत से कि हम्मा सिद्दीकी कहाँ है, कौन कौन सी पार्टियां उस हम्मा सिद्दीकी को सपोर्ट कर रही हैं। हम पूछना चाहते हैं कि सानिहा बल्दिया के इन लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। इनके नाम पर जर्मनी की कंपनी जो 60 करोड़ रुपए दिए थे, अब डॉलर के फर्क से तो अब ये तकरीबन 90 करोड़ रुपए बन चुके हैं। किस वजह से सिंध हुकूमत ने उसको अपने बैतुल माल में लेकर उसका सूद खा रहे हैं। बहिया टाउन में लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाई हुई है। हमारा मुतालबा है कि इसके हजारों अलॉटीज जिन मसाइल का शिकार हैं उनको दूर किया जाए। यही मसला हुआ कराची के लोग या पूरे पाकिस्तान के रहने वाले वो लोग के जो इस बहिया टाउन में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, किसी के प्लॉट गायब हो गए, किसी के पैसे वापस नहीं मिल रहे, किसी को रिफंड के चेक नहीं मिल रहे और जिसको चेक मिल रहा है वो बाउंस हो रहा है। कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो बहिया टाउन के मसले के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी इंतजामिया का कि वो जो है वो लोगों के साथ खड़ा हो। अगर मैं गलत बात कह रहा हूं तो आप लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं और बता सकते हैं कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। क्या कोई पार्टी, क्या MQM, क्या पीपल्स पार्टी, क्या PSP, क्या जो है वो PTI, कोई बहिया टाउन के मुकाबले में खड़ा होने के लिए तैयार है आप लोगों के लिए? और मैं मलिक रियाज साहब से बहुत वाजे तौर पर आप लोगों के तवस्सुस से कहना चाहता हूं कि ये इस तरह से चीज़ों को लिंगर ऑन करना, चीज़ों लोगों को टालना और लोगों के साथ ज्यादती करना, ये जो है वो ज़्यादा देर तक हम नहीं सिर्फ इस बुनियाद पर रुक सकते कि आप हमें फ़ोन कर लेते हैं और आपने एक कमेटी बनाई हुई है। ये कमेटी अगर काम नहीं कर रही, आपके अमले के लोग लोगों को रिलीफ नहीं दे रहे, तो रिस्पॉन्सिबल आप हैं, आपके साहबजादे हैं और आपको अपने रवैये को दुरुस्त करना पड़ेगा और बहिया टाउन का ये मसला लोगों का हल करना पड़ेगा, वरना हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। चेयरमैन नाजरा से मुतालबा करते हैं कि नाजरा के हवाले से मसाइल हल करें, शहर में मेगा सेंटर्स में इजाफा किया जाए। मैं हैरान हूँ कि अभी पिछले दिनों जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्ट्रिक वाले अपना मौकिफ पेश करें कि वो क्या मामला है जिसकी बुनियाद पर ये हालात हो गए हैं, तो इलेक्ट्रिक अकेला नहीं आया, उसके CEO के साथ असद उमर साहब भी तशरीफ़ ले गए, ताबिश गौहर साहब भी, जिनको वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना जो है वो नुमाइंदा खुसूसी बनाया है पावर का, और इसी तरह नदीम बाबर भी, पूरी विफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक का दिफा करने के लिए चैम्बर में जाकर के इलेक्ट्रिक की तरफ से मुकदमा पेश कर रही थी। ये काबिले मजम्मत है, शर्म का मुकाम है इस विफाकी हुकूमत के लिए जो ईमानदारी का नाम लेती है। आपने देखा कि नादरा का जो इदारा जिसका काम शिनाख्ती कार्ड बनाना है, उसने कितना अंधेर नगरी जो है वो मचाई हुई थी और लोगों को रिलीफ नहीं मिलता था। जमात इस्लामी ने इस मसले को उठाया और बहुत बड़ी तादाद में उन लोगों का मसला हल हुआ कि जिनके शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए थे, जिनके शिनाख्ती कार्ड नहीं बनाए जाते थे, गैर ज़रूरी कागजात मांगे जाते थे, उनको टहलाया जाता था। और जब हमने इसकी पूरी स्ट्रगल की तो अल्लाह का शुक्र है 80-90% लोगों का मसला हल हुआ है। हमारे बुनियादी मुतालबात में ये बात शामिल है कि मेगा सेंटर्स कराची में हर टाउन की बुनियाद पे जो पिछले टाउन हुआ करते थे उस पे होना चाहिए। सिंध हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में कोरोना के लिए कोई इंतजाम नहीं किया, बताया जाए कि वर्ल्ड बैंक की रकम कहां खर्च की गई। आप कराची में कुछ खर्च ही नहीं करना चाहते, सिर्फ लेना चाहते हैं, टैक्स आप यहां से लेते हैं, रेवेन्यू हम जनरेट करके देते हैं और हमारा हाल ये है कि सड़कें टूटी हुई है, गटर उबल रहे हैं और कोई परसाने हाल नहीं है, तो ऐसे में फिर हम हालात के रहमो करम पर लोगों को नहीं छोड़ सकते। 1200 अरब रुपए की इमदाद एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से आई, विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों में तकसीम हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने अस्पताल आपने कोरोना से मुतालिक जो है वो इस्टेब्लिश किए। जो 1500 बेड का अस्पताल की बात की गई थी यहां पर एक्सपो सेंटर में, हमने देखा कि वहां पर चंद लोग जो है वो सिर्फ आइसोलेशन सेंटर के तौर पर मौजूद रहे और बाकी जो है वो कुछ भी नहीं हुआ। वो पैसे किसने खाए, कहाँ खाए, कौन कौन सा इदारा इसमें मुलव्वस है जो एक्सपो सेंटर के अंदर जो है वो 1500 बेड के अस्पताल के नाम पर जिसने यहाँ पर फ्रॉड किया है और कौम के पैसे खाएं।